हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट तो आज थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहा है, ना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी कहूँगा मैं और ना ही ज़्यादा नेगेटिविटी। तो एक अपनी एवरेज के साथ लास्ट क्लोजिंग के आसपास ही जो है आज इंडियन स्टॉक मार्केट हमें देखने को मिल रही है। बात करूंगा जीकेपी प्रिंटिंग की, जिसकी जो है कल एजीएम की मीटिंग होनी थी और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि संभावना यही थी कि जीकेपी प्रिंटिंग की एजीएम मीटिंग के बाद जो है हमें स्टॉक के अंदर सर्किट खुलते हुए नजर आ जाएगा, लेकिन अभी भी स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट ही लगा हुआ है। तो क्या कुछ अपडेट आया है एजीएम मीटिंग के अंदर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में देखिए, आज भी 4.96% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, 5.50 रुपये की गिरावट के साथ 105.40 रुपये पे स्टॉक आ चुका है। लास्ट क्लोजिंग 110.90 रुपये पे थी। और अगर मैं इसके एक महीने के रिटर्न्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 60.77% तक की गिरावट, और 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर यानी कि आज तक स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 66% तक करेक्ट हो चुका, 200 रुपये तक ये स्टॉक टूट चुका है। और इस बीच में यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक नोटिस पहले भी आया था कि जो प्राइस मूवमेंट है उसमें कंपनी की किसी भी इनसाइडर ट्रेडिंग की कोई भी खबर नहीं निकल के आ रही है। अब जितनी बड़ी मूवमेंट हुई है तो क्या किया है कि सीवी ने जो है इसको एएसएम लिस्ट स्टेज वन के अंदर जो है डाल दिया है जीकेपी प्रिंटिंग को। और इसका मार्केट कैप जहां 300 करोड़ के ऊपर चल रहा था वो घटकर 154 करोड़ आ चुका है। बुक वैल्यू पर शेयर 14.84 रुपये, सेक्टर पी 28.14 का। आरएसएल लेवल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स के अराउंड आरएसएल लेवल देखने को मिल रहा। तो ओवरबोट से स्टॉक आया बाइंग कंडीशन में आया, ओवरवैल्यूड से बाइंग में, और बाइंग से अब आ चुका है अंडरवैल्यूड में, यानी कि जो बॉटम लाइन होती है अंडरवैल्यूड कंडीशन की और बाइंग कंडीशन की, उससे भी काफी नीचे स्टॉक का आरएसएल लेवल देखने को मिल रहा। तो इस हिसाब से अगर आरएसएल लेवल को देखूं तो लगातार आरएसएल लेवल और ज्यादा नीचे आता जा रहा है, तो स्टॉक के चांसेस जो है खुलने के और ज्यादा बने हुए हैं कि यहां पे आके एजीएम मीटिंग के बावजूद जो है स्टॉक का सर्किट नहीं खुला है, लेकिन आरएसएल लेवल के हिसाब से स्टॉक का जो है सर्किट वो खुल जाना चाहिए। एजीएम मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द 4th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन 5th डे ऑफ सितंबर 2022। जो जनरल मीटिंग जो खत्म हुई है वो ऑलमोस्ट जो है 3:12 के आसपास जो है खत्म होती हुई हमें देखने को मिली है। और मिस्टर केवल हर्षद गोरडिया, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयर द मीटिंग्स। मिस आरुषि लकोटिया, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन इंट्रोड्यूस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्क्रूटनाइजर दिस। यानी कि कल इनकी जो है मौजूदगी में ये मीटिंग हुई है। और कौन से ऑर्डिनरी बिजनेसेस में हम देखें तो क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। अडॉप्शन ऑफ द ऑडिटेड स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट जीकेपी प्रिंटिंग ने अभी रिसेंटली पेश किया था क्वार्टर वन का, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और यहाँ पे दोबारा से जो है मिसिज पायल के गोरडिया को जो है रीअपॉइंट कर दिया गया है, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, यानी कि उनको दोबारा से जो है रिटायर होने के बावजूद दोबारा से उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। रेटिफिकेशन ऑफ मिस कयूरसा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अहमदाबाद एज सैचुरेटरी ऑडिटर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम विल टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि अभी ये कौन सी एजीएम हुई है, 4th एजीएम हुई है, जब तक 6th एजीएम नहीं होगी तब तक जो है मिस जो कंपनी का नाम है कि कयूरसा एंड कंपनी जो है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर जो है 6th एजीएम तक रखा जाएगा। स्पेशल बिजनेसेस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज्ड अथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम 15 करोड़ टू 22 करोड़, यानी कि अथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ा दी गई है, जहां पहले 15 करोड़ की देखने को मिली थी अब वो है 22 करोड़ की देखने को मिल रही है। After capital close 5th of memorandum of association to reflect increase in the authorized share capital, यानी कि after capital close के बाद जो है अब यहाँ पे memorandum of association भी जो है हमें reflect होता हुआ नजर आ जाएगा। Approve issue of bonus equity share, यानी कि approve कर दिए गए हैं issue of bonus equity shares जो है उनकी तरफ से, लेकिन अब तक X date जो है announce नहीं की गई कि किस date को यहाँ पे इक्विटी शेयर्स यानी कि बोनस के शेयर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, भले ही अप्रूव कर दिया गया है। रेमुनेशन ऑफ मिस्टर केवल गोरडिया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पे मिस्टर केवल गोरडिया को जो है चेयरमैन एंड एमडी जो है कंपनी का बना दिया गया। रेमुनेशन ऑफ मिसेज पायल गोरडिया, वो आपको लोग मैं पहले बता दिया हूँ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनको बना दिया गया है। और टू रीअपॉइंट मिस पूजा हर्षद गोरडिया एज ए फुल टाइम डायरेक्टर, और यहाँ पे रीअपॉइंट कर दिया गया है मिस पूजा हर्षद गोरडिया को कि वो अब होल टाइम डायरेक्टर जो है जीकेपी प्रिंटिंग की रहने वाली है। द कंपनीज सेक्रेटरी इन्फॉर्म द मेंबर्स दैट द रिजल्ट्स ऑफ वोटिंग डन एट द एजीएम अलोंग विद
द स्क्रोनाइजर रिपोर्ट सेल बी अनाउंस विद इन 2 working days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द AGM एंड सेम वुड बी सबमिटेड डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। यानी कि अब जो जो डिसीजन लिए गए हैं या फिर वोटिंग जो हुई है उससे रिलेटेड जो रिजल्ट आने हैं वो वर्किंग डेज के 2 दिन के बाद यानी कि आज और कल के बाद जो है हमें थर्सडे के दिन जो है यहाँ पे एक और अपडेट जो है यहाँ पे GKV प्रिंटिंग की तरफ से देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं द चेयरमैन एक्सटेंडेड ग्रेटिट्यूड टू ऑल शेयर होल्डर्स फॉर द प्रेजेंस एंड सक्सेसफुली कंडक्टिंग द मीटिंग एट 3:42 PM। यानी कि यहां पे क्या कर दिया गया है कि एक्सटेंडेड कर दिया गया है इस टर्म को जो यहां पे जो डायरेक्टर्स की टर्म थी रीअपॉइंट करके उनको जो है दोबारा से रीअपॉइंट करने के बाद जो है चेयरमैन को यहां पे देखिए एट द एंड ऑफ द मीटिंग ऑन द इनविटेशन बाय द चेयरमैन मेंबर्स रेज्ड क्वेरीज विद रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल एंड बिजनेस विच आर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाइड बाई हिम। यानी कि यहाँ पे देखिए जब मीटिंग होती है तो कोई ना कोई जो है क्वेश्चन तो रेज करता ही है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए लेकिन उनका जवाब जो है अभी तक नहीं दिया गया था मीटिंग के अंदर जब AGM हुई। और यहाँ पे बोनस के शेयर्स को लेकर भी जो है अप्रूव कर दिया गया है लेकिन एक्स डेट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है कि किस दिन जो है यहाँ पे कंपनी बोनस के शेयर्स GKP प्रिंटिंग के इन्वेस्टर्स को देने वाली है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।